बारहवीं कक्षा पास वो विद्यार्थी जिन्होंने 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे विलक्षण विद्यार्थियों के लिए पहल जन सेवा संस्थान द्वारा एक विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह 31 जुलाई रविवार दोपहर 2 बजे आयोजित किया जा रहा है। पहल जन सेवा संस्था द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का होगा आयोजन। 31 जुलाई दोपहर 2 बजे से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में कक्षा 12वीं के विलक्षण विद्यार्थियों को किया जाएगा सम्मानित। CBSE और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पहल जन सेवा संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। 31 जुलाई रविवार को होने वाले सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर संस्था की संरक्षक विधायक अनिता बघेल ने अपने निवास स्थान पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अजमेर शहर के समस्त विद्यालयों में कक्षा 12वीं से उत्तीर्ण विलक्षण विद्यार्थियों का सम्मान समारोह दिनांक 31 जुलाई 2022 को दोपहर 2 बजे से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में आयोजित किया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा में 90% से ज़्यादा अंक अर्जित कर अपने विद्यालय व अजमेर शहर का नाम रोशन किया है, उन सब विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। सम्मान समारोह में विवेकानंद केंद्र की जीवन वृत्ति कार्यकर्ता प्रांजल जी व ब्रेन ट्रस्ट सोसाइटी के फाउंडर उद्योगपति राधेश्याम चोयल आगामी भविष्य में कैरियर चयन सहित व्यक्तित्व विकास विषय पर प्रेरणादायी उद्बोधन भी देंगे। अजमेर शहर में जितने भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हो या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हो, ऐसे समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा इसी वर्ष पास की है, ऐसे 12वीं कक्षा पास वो विद्यार्थी जिन्होंने 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे विलक्षण विद्यार्थियों के लिए पहल जन सेवा संस्थान द्वारा एक विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह 31 जुलाई रविवार दोपहर 2 बजे आयोजित किया जा रहा है। उसकी संरक्षक होने के नाते से मैंने सभी विद्यालयों को निवेदन किया है कि उनके विद्यालयों में जितने भी बालक बालिकाएं ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं जिन्होंने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनके लिए जो हमने सम्मान समारोह आयोजित किया है उसमें उनको जरूर सम्मिलित करावें और सम्मिलित कराते हुए हमें अनुग्रहित करें। ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने एक प्रेरणादायी उद्बोधन उनको मिले, इस नाते से इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए जाने माने हमारे अजमेर शहर के ही राधेश्याम जी चोयल को आमंत्रित किया है। साथ ही साथ हमने विवेकानंद केंद्र की प्रांतीय संचालिका माननीय दीदी प्रांजल दीदी को भी आमंत्रित किया है। तो ऐसे दोनों ही माननीयों का प्रेरणादायी उद्बोधन हमको सुनने को मिलेगा। इस सम्मान समारोह में विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनको मेडल्स भी दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम आशान्वित हैं, हम बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं ऐसे बालकों के लेकर के जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा यहाँ मनवाया है और अजमेर को गौरवान्वित किया है। तो ऐसे कार्यक्रम के लिए मेरा सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से आग्रह है कि वो विद्यालय के माध्यम से यदि विद्यार्थियों को वहाँ कार्यक्रम स्थल पर लेकर के आते हैं तो हमें थोड़ी सुविधा रहेगी और कार्यक्रम को जिनको लिए हमने आमंत्रित किया है उनको हम विशेष रूप से सम्मानित करते हुए हम जो है उनके बहुत आभारी रहेंगे। ऐसा एक कार्यक्रम अजमेर शहर के समस्त विद्यालयों के लिए हमने आयोजित किया है, जिसमें लगभग सूचीबद्ध हमने किया, लगभग 50 विद्यालय ऐसे हैं जिनके बच्चों को 90% या उससे अधिक अंक मिला है। कहाँ पर? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो ऑडिटोरियम हॉल है उसके अंदर रखा है। उसके लिए हमने बाकायदा उसको बुक कराया है, उसको फीस पे करके हमने बुक कराया है और रविवार को दोपहर में 2 बजे ये कार्यक्रम वहाँ रहने वाला है।